press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे DTH ER Info YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप हमारे चैनल पे डिशों से रिलेटेड और सैटेलाइट से संबंधित और सेट ऑफ बॉक्स से संबंधित तो वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनता है। आज उसकी एक वीडियो हम शूट करने लगे हैं। दोस्तों मैं यहाँ जा रहा था तो गर्म गर्म गुड़ जब मैंने खाया और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। कुछ यादें जो हैं पुरानी आ गई, ख्यालात मेरे वो जाग गए, क्योंकि हर गांव के अंदर पंजाब के अंदर पहले ये कलाड़ी होती थी, इसको पंजाबी के अंदर कलाड़ी बोलते हैं, जो गन्ने का रस जहाँ पे तैयार होता है। तो दोस्तों अब वो बहुत जगह से जो है वो अलोप हो चुकी हैं, यानी कि दिखाई नहीं देती कलाड़ियाँ। कहीं कहीं रोड के किनारे पे ये दिखाई देती हैं, क्योंकि अब लोग जो हैं वो अपना बिजनेस के तौर पे इसको काम को कर रहे हैं। पहले भी करते थे, पहले जो जिमीदार लोग थे, किसान भाई थे, वो अपना गन्ने का जो रस था निकलवाते थे और गुड़ बनवाते थे और उसको फिर सेल करते थे। पंजाब के अंदर गन्ने को जो है कमाद बोलते हैं। दोस्तों ये इसका प्रोसेसर क्या रहता है, मैं उसके बारे में आपको आज वीडियो एक शूट करने लगा हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़, और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर दें लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों बताएं कि आपको कैसी ये वीडियो लगी। मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो गुड़ तैयार होता है। चलो हम वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों ये होता है गन्ना, गन्ने को ऐसे सेट करके रख लिया जाता है। ये इसकी पूड़ियाँ होती हैं, यानी कि किसान जो है इसको पूड़ी बांध देते हैं, जो लेबर होती है कटिंग करके, और ट्रैली के अंदर ये लोड होकर फिर यहाँ पे आता है, ये लोग खरीदते हैं। और ये है, इसको बोलते हैं कलाड़ी, पंजाबी में बोलते हैं इसको कलाड़ी, और हिंदी में इसको कोल्लू भी बोल देते हैं, और कुछ लोग इसको चरखी बोलते हैं। दोस्तों ये देखें, हमारा एक भाई है और ये गन्ने लगा रहा है इसके अंदर, और ये इसका प्रोसीजर चल रहा है, आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये देख लें दोस्तों, ये ऐसे काम करता है, और ये मेरा भाई एक जो है वो इसके अंदर लगा रहा है गन्ने, और ये देख लें दोस्तों ऐसे ये काम करता है, और ये रस जो है इसके अंदर निकलता रहता है, ऐसे प्रॉपर रस निकलता रहता है। ये देख लें दोस्तों, और ये एक पाइप जारी है, ये नीचे वाइट कलर की, ये पाइप से रस जो है वो आगे फिर वहाँ चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा भाई जो है देखो ऐसे लगा रहा है इसको, ऐसे ऐसे इसके अंदर गन्ना लगाना पड़ता है, और ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वेस्टेज निकलती है, जैसे कि गन्ने का जो निकल जाता है सारा, जब रस निकल जाता है और इसकी ये वेस्टेज होती है, ये खुद ही बेचारा इसको पीछे उठाता है और ऐसे फिर लोड कर देता है रेडी से, और ऐसे ये इसको पीछे हटाना पड़ता है बार बार, और ऐसे इसके अंदर फिर ये लोड करके यहाँ पे इसको वहाँ ये सूखने के लिए यहाँ इसको फैला दिया जाता है। आम के आम और गुठलियों के दाम इसी के छिलके से ही इसका काम लिया जाता है, यानी कि आग जलाने का जो ईंधन का काम लिया जाता है इसके छिलके से ही लिया जाता है। ये इसको यहाँ पे सुखा देते हैं, दूर दूर में देखो ये सुखा रखा है यहाँ पे, और दोस्तों फिर इकट्ठा करके इसको ऐसे एक कुप की तरह बना देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं बारिश वगैरह के अंदर ये भीगे ना, इसको ऐसे इकट्ठा करके रख लेते हैं ईंधन को, और इनको काम में इसी ईंधन को फिर ये काम में लेते रहते हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इंजन है जिसकी मदद के सहारे ये काम हो रहा है पूरा। ये देख लें दोस्तों, आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये अच्छी खासी पावर का इन्होंने इंजन लगाया है, ये चल रहा है, और ये काम ऐसे प्रोसीजर से चलता रहता है दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह से आपको दिखाने की, बहुत मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाने की शूट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाए। ये जैसे ही इसके अंदर गन्ना लगता है और इसके ऊपर लोड पड़ता है तो इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है दोस्तों, ये देख लें। चले दोस्तों हम चलते हैं आगे।
अब ये रस जो है इस पाइप से होते हुए और यहाँ चला जाता है, ये देख ले, यहाँ पे आके ये रस जो है दोस्तों यहाँ पे निकलता रहता है और फिर इसको टब से, इस टब को उठा के ये यहाँ पे डाल लेते हैं, यानी कि ये जाली लगी है इसके अंदर और इस जाली के थ्रू ये रस यहाँ पे आ जाता है इस टब के अंदर, और जो वेस्टेज होती है ये ऊपर की गाद वगैरह होती है या गन्ने का आड़कवाड़ जो होता है कचरा, उसको साइड में निकाल दिया जाता है। और उसके बाद ये रस जो है इस पीपे के द्वारा इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है और फिर रस जो है वो बनना पकना शुरू हो जाता है। और ये अभी इन्होंने काम स्टार्ट ही किया है और यहाँ पे है मेन जो मुद्दा है, यहाँ पे लगाया जाता है ईंधन, ये देख ले दोस्तों, पूरी हीट यहाँ पे इसको दी जाती है और फिर रस जो है वो पकना शुरू हो जाता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये गुड़ के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो बंदा रहता है उसकी बेचारे की बड़ी मेन ड्यूटी रहती है, उसको 24 घंटे यहाँ पे इसके अंदर लगाना ही पड़ता है जोका, यानी कि वो जैसे जैसे ईंधन इसके अंदर लगाएगा तभी काम बनना है सारा। हर बंदे का अपना रोल होता है इस काम के अंदर, और इस काम के अंदर जितने भी बंदे हों उतने कम हैं भाई, ये मैंने ज़रूर देखा है कि सबकी जो है बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, चाहे वो गन्ने लगाने वाला हो मशीन के अंदर और चाहे यहाँ पे ईंधन लगाने वाला हो और चाहे इस कढ़ाहे से इस रस के ऊपर जो मैल आती रहती है वो मैल उतारने वाला हो, तो हर बंदे का अपना अपना एक रोल होता है और मेन ड्यूटी होती है। यहाँ पे ये मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग ये जो गन्ने का कस होता है यही लगाते हैं ईंधन के तौर पे, यहाँ पे ये सफ़ेदे का सरक भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ईंधन के लिए, ताकि इसका अच्छा खासा सेक बन सके, अच्छी खासी इसकी हीटिंग बन सके और जल्दी जल्दी ये जो गुड़ तैयार हो जाए। और ये है इनकी भट्टी जहाँ से ईंधन का जो है धुआं वगैरह निकलता रहता है, ये देख लें ये सिस्टम है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, फिर जब ये गुड़ बन जाता है और बन के तैयार हो जाता है फिर ये यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसके अंदर, ये इस फट्टे को उठा के फिर वहाँ पे रख लेते हैं, जब तैयार हो जाता है फिर इसके अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये बन जाता है भाई दोस्तों, ये देख लें ये गुड़ है। फिर ये गुड़ ऐसे ऐसे टिकड़ी इसकी बना के रख देते हैं पूरी अच्छी तरह से। इन्होंने, मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने कैसे ढक के पूरी अच्छी तरह से इसको रखा है, ये शक्कर है ये गुड़ है और जाली दी है ताकि मक्खी वगैरह कोई भी इसके ऊपर वे ना बैठे और गंदगी जो है वो ना हो, मुझे बड़ी अच्छी ये इनकी बात लगी है। ये शक्कर है, ये देख लें दोस्तों, ये शक्कर है इसके अंदर और ये गुड़ है। और यहाँ पे फिर ये इन्होंने अपना ये रखा हुआ है तखड़ी और बट्टा वगैरह, और जो दोस्त आते रहते हैं कस्टमर आते हैं, यहाँ रोड है, रोड के किनारे ये इन्होंने लगाई है ये कलाड़ी, और जो दोस्त आते रहते हैं कस्टमर आते हैं फिर वो ख़रीद के गर्म गर्म गुड़ यहाँ से ले जाते हैं, शक्कर ले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसीजर हमने आपको दिखाया कि गुड़ को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। दोस्तों बड़ी मेहनत से हर वीडियो को बनाया जाता है, शूट किया जाता है आप दोस्तों की मदद के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे तैयार की जाती है। ये देख लें दोस्तों, ये पूरी हीटिंग है इसके अंदर और ये जो है हमारे बुज़ुर्ग ये बार बार इसके अंदर जो है ईंधन लगा रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपरली दे रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी कारोबार है उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कोई भी कारोबार कामयाब नहीं होता, हर इंसान का अपना रोज़गार है। तो दोस्तों आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की वीडियो मैं और भी लेके आता रहूँगा अलग अलग सामान के बारे में कि कैसे किस चीज़ का कैसे प्रोसीजर रहता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए और उनको
उन बातों के बारे में ताकि जानकारी हो, इसलिए ये वीडियो जो है वो शूट करके दी जाती है आप दोस्तों को कि कौन सी चीज़ कैसे तैयार की जाती है। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और आपके इलाके के अंदर गन्ने को क्या कहा जाता है और गुड़ को क्या कहा जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे यहाँ गन्ने को कमाद बोला जाता है पंजाब के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें दोस्तों, ये शक्कर तैयार की है इन्होंने और ऐसे इसकी शक्कर की मिलाई हो रही है। ये देख लें हमारे जो कारीगर हैं, जो अपना इनका रोज़ का काम है, क्योंकि अब जो है गंदम की कटाई का सीज़न है और शक्कर की जो ज़्यादा डिमांड रहती है, वैसे भी आम दिनों के अंदर भी डिमांड अच्छी रहती है इसकी, और ये शक्कर तैयार कर रहे हैं नेहलें और ये बड़ा बेहतरीन और गर्म गर्म खाने के अंदर भी बड़ी मज़ेदार लगती है ये। और दोस्तों ये चल रहा है प्रोसीजर वही, ये देखें ये इसकी महल उतार रहे हैं रस्ते से, ये गर्म हो रहा है यहाँ पे। और खुशबू जो इसकी आती है ना, ये जो आपको मैं बता नहीं सकता वीडियो के अंदर, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ लेकिन आप लोगों को मैं ये दिखा नहीं सकता और बता नहीं सकता इसकी खुशबू जो इतनी प्यारी और बेहतरीन आती है। और ये बार बार इसके अंदर झोंका जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देना पड़ता है ताकि हीटेज इसकी बढ़ती रहे और ये काम जो है प्रोसीजर पे चलता रहे। ऐसे फिर ये गर्म होता रहते हैं और इसकी ये मैल वगैरह उतारते रहते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कई गुड़ जो है थोड़े काले होते हैं, कई बिल्कुल पीले होते हैं, अलग अलग तरह का किस्म का ये बनाते हैं। कई लोग जो है को केमिकल वगैरह से इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये यहाँ पे ये ऐसे इसकी जो इसको जाग वगैरह जो है इसकी मैल वगैरह उतारते रहते हैं। ये किस काम के लिए आ जाती है जनाब, ये जो आप उतार रहे हैं इस पे से मैल उतारते हैं? अच्छा, इसको जो है वो जानवर खाते हैं, जो जानवर रखे होते हैं लोगों के। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। दोस्तों ये देखें कस्टमर आते हैं, ऐसे गाड़ी वाले आते हैं और ऐसे फिर आके गुड़ को ख़रीदते हैं। ये कोई दोस्त हमारे कोई आए हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। ये देख लें दोस्तों, ऐसे इसको निकाल के ऐसे फिर ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है और ऐसे इसको फेंटते रहते हैं और फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर इसको निकाल देते हैं, यानी कि छोटे छोटे इसके पिन्ने बना देते हैं। ये बिल्कुल गर्म है और फिर इसको ऐसे यहाँ इस पे ऐसे ये मंजा लगा है और फिर इसको ऐसे बना दिया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पिन्ने इसके फिर बना के यहाँ रख दिए जाते हैं। अभी ये गर्म है और ये लगे हुए हैं।